हम आपको बिहार गौरव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बिहार की बेटी है जिसने देश और बिहार का नाम अमेरिका में रोशन किया है। बिहार की मुंगेर की मूल निवासी मोना दास अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से सीनेट की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्हें ये सफलता पहली बार में ही मिल गई। राजनीति में ये मुकाम उन्होंने जनसेवा और हौसले के बल पर पाया है। मोना अब अमेरिकी नागरिक हैं। हालांकि मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित दरियापुर गांव को अपनी इस बेटी पर गर्व है। अमेरिका में रहने वाले उनके इंजीनियर पिता सुबोध दास का गांव से जुड़ाव अब भी कायम है। दरियापुर गांव में मोना के परिवार के कुछ लोग रहते हैं। उनका कहना है कि मोना का जन्म दरियापुर में ही हुआ था। साल 1970 से अमेरिका में रह रहे मोना के पिता उनके जन्म पर यहां आए थे। बाद में वो मोना और उनकी मां को साथ अमेरिका लेकर चले गए। मोना के भाई सोमदास का जन्म अमेरिका में ही हुआ। मोना लगभग 12-14 साल की उम्र में दरियापुर गांव आई थी। उसके बाद से वो यहाँ नहीं आ पाई। मोना और उनके छोटे भाई सोम की शादी अमेरिका में ही हुई है। बड़ी होने पर मोना ने अमेरिका में ग्रेजुएशन से डिग्री हासिल की। आगे उन्होंने पंचौट विश्वविद्यालय से प्रबंधन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लेकिन जन सरोकार और जन सेवा में सबसे अधिक रुचि होने के कारण वो नौकरी से कहीं अधिक राजनीति में आगे बढ़ती चली गई। राजनीति की राह आसान तो नहीं रही, लेकिन जनसेवा के बल पर जनसमर्थन बढ़ता गया। जनसमर्थन देख हौसला बढ़ा तो हिम्मत कर वो आगे बढ़ी और फिर अब नतीजा सबके सामने है। मोना दास वाशिंगटन राज्य की 47वें जिले की सीनेट निर्वाचित हुई हैं। वो पहली बार ही चुनाव में खड़ी हुई थी। मोना के पिता का गांव से जुड़ाव लंबे वक्त से रहा है और वो वक्त वक्त पर गांव भी आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोना के परिवार ने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। मोना के दादा दरभंगा, भागलपुर और गोपालगंज में सिविल सर्जन के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने रिटायर होने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में एक स्कूल भी खोला था। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।